Welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about मैं आप लोगों से आज आपके 11th क्लास के जो जिस आप क्लास में हो 11th क्लास में उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोग जो 11th क्लास में पढ़ाई करते हो वो कैसे करते हो, है ना। तो मेरा आज का हेडिंग है, मेरा आज का टॉपिक है कि फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर ना बनाएं। क्या टॉपिक है हमारा? फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर ना बनाएं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी है वीडियो में, ओके। तो फर्स्ट ईयर दैट मीन्स कि आपकी 11th की क्लास, ओके। और सेकेंड ईयर दैट मीन्स कि आपके 12th की क्लास, ओके। ठीक है, इसे लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी बोलते हैं, है ना। तो जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, दैट मीन्स कि उसमें अगर थोड़ी बहुत कम पढ़ाई भी करें हम तो भी चलेगा, है ना। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जब 10th का क्लास के एग्ज़ाम को देकर के 11th क्लास में एंटर करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दैट इज़ कि 10th क्लास में जो चीज़ें होती है वो बहुत इन कम्पेयर टू 11th क्लास वो बहुत हल्की होती है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उनकी लैंग्वेज टफ़ नहीं होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप 10th का एग्ज़ाम देने के बाद 11th क्लास में एंटर करते हो, वहाँ क्या होती हैं जो जितने भी बुक्स के लैंग्वेज हैं और कॉन्सेप्ट है वो सारे चेंज हो जाते हैं, वो सारे अलग हो जाते हैं, आपके स्ट्रीम्स अलग हो जाते हैं। आप अगर साइंस को पढ़ रहे हो तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, थीके? मतलब कि समझ पाना कुछ थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं या फिर कहीं से सुन लेते हैं या कोई उनसे कह देता है, कोई टीचर या कोई पेरेंट्स कोई भी, कि फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा ईयर है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो अभी के अभी तुरंत इसे अपने दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर इज नॉट योर रेस्ट ईयर, इट इज़ द बेस्ट ईयर। तो ये बेस्ट ईयर कैसे है? क्योंकि आप जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीट का ही लेती हूँ। जैसे कि आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो आप उसमें देखोगे कि जब आप नीट का एग्ज़ाम आफ्टर 12th दोगे तो उसमें देखोगे कि 60% क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ईयर दैट इज़ की 11th क्लास की बुक से है, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि NCERT की लाइन बाई लाइन जो है वो उससे क्वेश्चन बनाया गया है, यही क्राइटेरिया है नीट में, है ना। और भी अदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, है, है ना। तो सिर्फ मैं एक बायोलॉजी के स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर को वेस्ट नहीं करना है, उसे रेस्ट करके वेस्ट नहीं करना है, उसे बेस्ट बनाना है। कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं उसे? उसमें जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। और ये इस मेहनत के दौरान आप लोग क्या समझ लेते हो कि अरे चलो इसमें थोड़ा बहुत कम पढ़ाई भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक अपने फर्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर नहीं बनाओगे तब तक आप जब 12th क्लास में जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए फर्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है, उसे रेस्ट ईयर बिल्कुल भी ना बनाएं,
क्योंकि जब तक आप 11th क्लास की चीज़ों को अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो 12th क्लास की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि 11th और 12th ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। 11th को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप 12th क्लास के चैप्टर को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को दोगे, सिर्फ नीट को ही नहीं, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, है ना, तो उन सभी में आप अपने फर्स्ट ईयर दैट इज़ कि 11th की क्लास के जो चैप्टर्स हैं, 11th क्लास हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें। क्योंकि आपके पास उस ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर टाइम होता है ना, आपके पास यूँ कहें कि ज़्यादा एग्ज़ाम का लोड नहीं होता है ना। जब आप 10th की क्लास देकर के 11th की क्लास में पहुँचते हो, तो क्या होती है कि लैंग्वेज भी अलग हो जाती है। कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, है ना, तो अचानक से वो इंग्लिश मीडियम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं कि लैंग्वेज कैसे समझें, इसे हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कैसे करें, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो आप कोशिश करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने करो कि हम लैंग्वेज को समझ पाएँ। क्योंकि उस ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो उसे, उस बुक को, उस चैप्टर को, वो पूरा स्ट्रीम जो आपने रखा है उसे टाइम देना होगा, तभी ये आपका बेस्ट ईयर बन सकता है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है सबसे ज़्यादा इस इतने सारे डिस्कशन का मैं रिज़ल्ट ये कहना चाहती हूँ कि आपके 11th क्लास को, दैट इज फर्स्ट ईयर को, कभी भी रेस्ट ईयर नहीं बनाना है। उसे जैसे तैसे पढ़ करके नहीं हटाना है, उसे जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ाई करो उस ईयर में, ताकि आपको 12th क्लास में कम मेहनत करना पड़े और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है, तैयार हो सको। आपको कभी भी उसे वेस्ट नहीं करना है। उसे क्या बनाना है, फर्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना है, फर्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना है, ओके। तो आज का मेरा जो मोटिवेशन था एग्ज़ाम के लिए, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या इसमें कमी आई है, ओके।